आज हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 के शुभ अवसर पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसका शीर्षक विकसित भारत 2047 का संकल्प और न्यू मीडिया हिंदी पत्रकारिता के विशेष संदर्भ में, हम सब आज यहां एकत्र हुए हैं। इस एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्या शाखा द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में कार्यक्रम के अध्यक्ष, हम सब के संरक्षक, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के को निरंतर ऊंचाइयों पर स्थापित करने के लिए सतत प्रयासरत तथा मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु दृढ़ संकल्पित हमारे यशस्वी कुलपति महोदय प्रोफेसर ओपीएस नेगी जी, आपकी प्रेरणा के फलीभूत इस विश्वविद्यालय में अनेक संगोष्ठियां, कार्यशालाएं का आयोजन होता रहता है और आज यह एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी भी आपकी ही प्रेरणा का एक मूर्त रूप है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे मध्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माखनलाल चतुर्वेदी जी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के आदरणीय कुलपति माननीय प्रोफेसर के जी सुरेश जी, महोदय आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। आप कुलपति जैसे पद को अलंकृत करते हुए अपने दीर्घकालीन अनुभवों से शिक्षा जगत को लाभान्वित भी कर रहे हैं। आज आपकी कई आवश्यक बैठकों के बाद भी आप मुख्य अतिथि के रूप में हमसे जुड़े, पूरा विश्वविद्यालय परिवार अति हर्ष का अनुभव कर रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। इसी क्रम में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता परम सम्माननीय प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी, अध्यापक प्राध्यापक भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली का भी हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। आप अपनी तार्किक पूर्ण दृष्टि से नित नवीन दिशा एवं शिक्षा के नूतन आयाम, अनुसंधान और सर्व सुलभ शैक्षणिक सुगमता उपलब्ध कराने हेतु सदैव प्रयासरत रहते हैं, जो हम सब के लिए अनुकरणीय है। अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बाद भी आप मुख्य वक्ता के रूप में हमारे मध्य जुड़े, इसके लिए हम सब अत्यंत गौरवान्वित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे मध्य वक्ता के रूप में उपस्थित श्री जगमोहन सिंह रौतेला जी, वरिष्ठ पत्रकार हल्द्वानी नैनीताल, तथा श्री प्रयाग पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार नैनीताल, आप दोनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली से एक विशिष्ट स्थान को सुशोभित कर रहे हैं। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम सब हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के इस एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के सह संयोजक प्रोफेसर एन एस बनकोटी जी का भी मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। वर्तमान समय में आप MBPG कॉलेज हल्द्वानी में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आप व्यवहार से जितने सौम्य हैं, आपका ज्ञान उतना ही गंभीर तथा विशिष्ट है। आप जहां एक ओर शिक्षा जगत में अपने अनुभवों से लाभान्वित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक कुशल प्रशासनिक अनुभवों से शैक्षणिक संस्थानों को भी सुव्यवस्थित करने में अपना अमूल्य योगदान प्रदान कर रहे हैं। आपका स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही में हमारे मध्य उपस्थित संगोष्ठी के तकनीकी सत्र के सह अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर ममता पंत, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का भी मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अनेक पुरस्कारों से अलंकृत एवं उत्कृष्ट लेखन शैली की धनी एवं बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व को आप अपने मध्य पाकर हम हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी अतिथियों का संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन। इस क्रम में मैं आदरणीय प्रोफेसर पीडी पंसर, कुलसचिव तथा डायरेक्टर एकेडमिक का भी विशेष स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ, जो प्रथम दिन से ही लगातार इस संगोष्ठी के आयोजन में दिशा निर्देशन देने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में अनेक विभागों के विभागाध्यक्ष, अनेक विद्या शाखाओं के निदेशक, शिक्षकगण, शिक्षेतर कर्मचारी, शोध छात्र छात्राएं एवं प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से जुड़े हम सब के सम्मानित सदस्य तथा सुधीजन का भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। साथ ही हमारे ICT से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया के जितने भी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका विशेष स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार से हमारे मध्य जितने भी हमारे अतिथि उपस्थित हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं दिल की गहराइयों से अभिनंदन स्वागत।